ऐसा लग रहा है जैसे कि 2022 अक्षय कुमार के लिए कहीं ना कहीं लकी नहीं है। 2019 में जो अक्षय साहब का चार्म चला था, बैक टू बैक हर फिल्म 100 करोड़ 200 करोड़ कमा रही थी, वहीं अगर अब बात की जाए तो 2022 उनके लिए अनलकी है। सम्राट पृथ्वीराज जो उनकी महाफ्लॉप फिल्म गई थी वो देख लीजिए, या फिर उससे पहले आई हुई अगर आपको बच्चन पांडे याद है वो देख लीजिए, या फिर रक्षाबंधन। अक्षय कुमार ने अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश करी है बेहतरीन कॉन्टेंट देने का, लेकिन क्या वो राम सेतु के साथ वहीं जस्टिस कर पाए हैं? आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या राम सेतु एक हिट फिल्म बन पाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चलिए एक ऑनेस्ट और एक सच्चा रिव्यू राम सेतु फिल्म का। राम सेतु वो फिल्म है दोस्तों, हम सबको पता है, जिसने की अगर बात की जाए तो एक अलग पर्सपेक्टिव के तौर पे या एक अलग जो भारत की संस्कृति है उसको एनरिच करने के लिए रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर बात करी है। 2007 की बात है, कांग्रेस सरकार ने ये बात फैसला किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ डीएमके तब थे उस वक्त, तो ये फैसला किया था कि हम राम सेतु को तोड़ देंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी लग रही है और बे ऑफ बंगाल और अरेबिक सी दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। और राम सेतु जो है वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो है ये एक तरीके का बैरियर है और इस वजह से इसको तोड़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों उस वक्त बीजेपी ने बहुत इसका विरोध किया था और फिर उसके बाद एक रिसर्च बिठाई गई थी। फिल्म का क्लाइमैक्स अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आज से 5-6 साल पहले की जो है फ्यूचर की बात करता है, राइट। राम सेतु की अगर बात की जाए तो जो तथ्य मिले हैं उसकी रिसर्च के दौरान, वो रिसर्च में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। एंड यहां पर राम जी को ढूंढने के लिए, उनका एग्जिस्टेंस को ढूंढने के लिए जो कोशिश की जा रही है अक्षय कुमार के द्वारा, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, वो राम जी को ढूंढते ढूंढते रावण को ढूंढ लेते हैं। और ऐसे में राम जी का अस्तित्व संकट में पड़ेगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो मच समहाउ प्रेडिक्टेबल भी है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमें जो इन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ कनेक्ट करके फिल्म को दिखाया गया है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, मुझे पसंद आया। लेकिन यहां पर इस फिल्म की भी कमी है, फर्स्ट हाफ स्लो है, बोरिंग है, सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग है और वो आपको खींचता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो फिल्म में बहुत से ऐसे रेफरेंस है, जैसे कि संजीवनी बूटी का रेफरेंस है, अशोक वाटिका का रेफरेंस है, हनुमान जी का रेफरेंस है, और प्लस साथ ही साथ वो पत्थरों का रेफरेंस है जिन पत्थरों को तैराक नल और नील ने मिलकर बनाया था। पता होगा आपको ये बात, जब समुद्र देव ने साफ तौर पर बोल दिया था कि प्रभु राम जी मैं जो है रास्ता नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये समुद्र है, मैं काम करता हूँ आपकी आपकी वानर सेना में दो ऐसे वानर है नल नील जो कि पत्थरों को बांध के पुल तैयार कर सकते हैं। और एक्चुअल में दोस्तों उन्होंने ऐसे ही किया था, उसमें राम जी का नाम लिखा था और फ्लोटिंग रॉक्स हैं। फ्लोटिंग रॉक्स की अगर बात की जाए तो ये रियलिटी है। रामेश्वरम अगर बात की जाए, रामेश्वरम आपको तो पता ही है तमिलनाडु में जो है, वहां के बीच पे ऐसे रॉक्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यूट्यूब में या फिर ले लीजिए इंस्टाग्राम पे ऐसी 3600 वीडियोज आपको मिल जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि उस वक्त सरकार जो थी वो इतना वाहियात फैसला कैसे ले सकती थी कि राम सेतु को तोड़ा जाए। सीरियसली ये वो आस्था का एक भंडार है, या फिर ये हमारे हमारे पास के हमारे हमारे जो इतिहास है उसको दर्शाता है, और इस वक्त ये ऐसा फैसला कैसे ले सकते थे पता नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, पैसा होता है, लालच होता है, बट इसके लिए आप अपनी संस्कृति को तोड़ दें, अपनी संस्कृति को खत्म कर दें, ऐसे कैसे चल सकता है, राइट। तो दोस्तों यहां पर राम सेतु की अगर बात की जाए, उसमें जो क्वेस्ट मूवी में जो क्वेस्ट दिखाई गई है, जो एक ढूंढने की एक जो इच्छा दिखाई गई है ना, सच में यार लिटरली मजा आ गया मुझे। और फिल्म के काफी ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर आप एकदम से है ना स्तब्ध रह जाते हैं। फिल्म में बहुत से रेफरेंसेज हैं, ठीक है, ईस्टर एग्स हैं, वो लास्ट में जाके खुलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही एक एहसास होने लग गया था कि ऐसा होगा। राम सेतु फिल्म अच्छी है, आप देख सकते हैं, पारिवारिक फिल्म है, और एक अगर आपको ये खोज रहस्य या फिर यू नो सोने की लंका कहाँ थी ये सब जानना है, कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। एंड स्पेशल अपीयरेंस भी है इसमें, जी हाँ, किसका है ये मैं नहीं बताऊँगा वरना आप लोग गेस कर लेंगे, तो भगवान जी का ही है। और देखिए फिल्म ज़रूर बताएं, इस फिल्म को मैं स्टार बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि ये आस्था से जुड़ी हुई है, और प्लस अगर बात की जाए तो हमारी आस्था को कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रेटिंग दे, राइट।
चलता हूँ दोस्तों, एंजॉय कीजिए अक्षय कुमार साहब की, बट मास ऑडियंस के बीच में पता नहीं ये फिल्म हिट होगी कि नहीं, लेकिन क्लास ऑडियंस इसे जरूर समझेगी और अप्रिशिएट करेगी। जय श्री राम।